जय हिंद। आप कहीं पूरे परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, कहीं दर्शन करने या कहीं घूमने जा रहे हैं, लंबी दूरी पे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी पूरे परिवार के सदस्य को एक साथ नहीं जाना चाहिए। या आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं या कोई गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, दो बार में आप जाइए लेकिन पूरे परिवार के सदस्य एक बार में मत जाइए, क्योंकि यह भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कहीं नदी पार करना है तो नाव से आपको जाना पड़ेगा, तो एक साथ पूरे परिवार के सदस्य नाव में मत बैठ के जाइए, दो बार में जाइए और एक साथ मत बैठ के जाइए, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे नाव ओवरलोड है, ज़्यादा लोग बैठे हैं क्षमता से ज़्यादा, उस पर आप मत बैठिए, भले ही थोड़ा आपको लेट होगा लेकिन आप समझ सकते हैं दुर्घटना के अपेक्षा विलंब अच्छा होता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी हो या किसी दूसरे की गाड़ी हो, सभी जगह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो ज़्यादा रात को आप मत चलिए, चाहे वह हाईवे रोड हो, कहीं भी हो, कहीं आप अपनी व्यवस्था देखकर कहीं बाज़ार पर कहीं होटल में आप रुक जाइए, लेकिन 10-11 बजे के बाद कभी भी रात को चलना उचित नहीं रहता है। दूसरी बात है, जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो आप जो है ध्यान रखिए, कभी भी सीट पर अपने मोबाइल रख के सो मत जाइए, या खिड़की के साइड में आप जो है बात मत करिए मोबाइल से, थोड़ा बीच में आके बात करिए, नहीं तो आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। और कभी भी आप गेट पे खड़ा होकर जो है वीडियो बनाने की कोशिश मत करिए, बात करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपका मोबाइल छीन कर लेके भाग जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, क्योंकि मोबाइल की चोरी बहुत ही ज़्यादा होती है, और ख़ासकर बस में, ट्रेन में, इस सब जगह पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसी जगहों पर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो 10-15-20-25 हज़ार का मोबाइल रहता है और एक झटके में लेके भाग जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जैसे कि इंसान जो है अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है उसको, आप सभी जानते हैं, कभी भी ऊपर वाले कर्म का हिसाब करते हैं, धर्म का नहीं, और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसा कर्म रहता है वैसा ही उसको फल मिलता है। जैसे कि सोचने की ना तो कोई सज़ा मिलती है, जैसे आप गलत कुछ सोच रहे हैं उसकी कोई सज़ा नहीं मिलती है, कुछ अच्छा सोच रहे हैं उसका कोई आपको पुरस्कार नहीं मिलता है, हमेशा गलत करने की सज़ा मिलती है और पुरस्कार अच्छा करने का मिलता है, या फायदा अच्छा करने का आपको मिलेगा, अच्छा आप कर्म करेंगे तो अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। साथियों, आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।